चलो बेटा नेक्स्ट क्या है. अ पार्टिकल मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवल्स 24 मीटर एंड 64 मीटर इन द फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड. तो पार्टिकल ने मान लो यहां से उसकी जर्नी स्टार्ट की जहां पे इनिशियल वेलोसिटी है u. फर्स्ट 4 सेकेंड के दो इक्वल इंटरवल है, मतलब 0 टू 4, 4 टू 8. चलो 0 टू 4 सेकेंड. अच्छा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसमें? 24 मीटर. अच्छा नेक्स्ट 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 64 मीटर. ऐसा ही बोला है ना. ओके तो अ पार्टिकल मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवल्स 24 मीटर एंड 64 मीटर इन फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव इक्वल इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड. इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ब्लैंक. तो देखो बेटा पहले मैं ये केस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट 4 सेकेंड की बात कर रहा हूं. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 24 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है कितना है? 4 सेकेंड का. डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन अप्लाई करो. S1 इज इक्वल टू UT1 प्लस हाफ ए T1 स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 24 इज इक्वल टू UT1 कितना है? 4 प्लस हाफ इंटू ए. ना एक्सेलरेशन पता है ना इनिशियल वेलोसिटी पता है. टाइम कितना है? 4 स्क्वायर 16. तो ये आपको मिला 24 इज इक्वल टू 4u प्लस 8a. पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो 6 इज इक्वल टू यू प्लस 2a. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. चलो रेडी. उसके बाद मैं सेकेंड केस ले रहा हूं ये पूरा बराबर. अगर मैं ये पूरा इंटरवल लेता हूं तो बताओ टाइम इंटरवल टोटल कितना लेना है? 8 सेकेंड का टोटल इंटरवल लेना है 4 प्लस 4. अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है हमें? 24 पहले था, 64 बाद में है, टोटल 88 मीटर. फिर से डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है. तो S इज इक्वल टू UT2 प्लस हाफ AT2 स्क्वायर. S2 क्या है? 88. T2 क्या है? तो 8U प्लस हाफ T2 स्क्वायर 64. तो 88 इज इक्वल टू 8U प्लस 32A. पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो. 11 इज इक्वल टू U प्लस 4a. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो. मुझे फाइंड करना था बेटा इनिशियल वेलोसिटी, u फाइंड करना है. तो a को एलिमिनेट करना पड़ेगा. अब a को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? तो 11 इज इक्वल टू यू प्लस 4a तो था, यहां पे 4a चाहिए अगर एलिमिनेट करना है. तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो 12 इज इक्वल टू 2u प्लस 4a. चलो सब्ट्रैक्शन ले लो दोनों इक्वेशन का, ये कट हो गया. u माइनस 2u माइनस u. 11 माइनस 12 तो u इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया? पक्का?